हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये जीत का है वो जीत का हर चीज कर दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारे एरिया में सिर्फ पानी की सहूलत होना चाहिए। ऑलरेडी कृष्णा कॉलोनी गवर्नमेंट की कॉलोनी है, वहाँ पे तो हर चीज की सहूलत होना चाहिए। किसी की बेटी बहू कहीं भी बाहर नहीं निकलती, दो घर को पानी आते तो घरे लेके आना, मारम मारी कराना, ये कौन सा कानून है? हम कुछ मांग रहे हैं क्या? सिर्फ पीने के लिए पानी मांग रहे हैं? पानी तो आम बात है देने के लिए, तुम लोग को ये नहीं आता पानी देने के लिए? ये दे तो वो दे तो बड़े बड़े मांगा करते हैं, क्या मांग करते हो तुम लोग? वो जो पानी छोड़ रहा नहीं सही उसकी भी कार्रवाई करे जाना, और ये सब वाटर फिल्टर वाले की इसकी भी पूरी कार्रवाई करे जाना। अगर हमारे को दो दिन में जुम्मा के दिन तक हमारा काम नहीं हुआ, या हम पानी का टैंक तो फोड़ेंगे, या पूरी कृष्णा कॉलोनी आके ये जो भी है वाटर सप्लाई को हम ताला मारेंगे। हम लेडीज है, हम डरने वालों में से नहीं है। अब इतने बार हम सब सबका सुने, अब हमारा खुद का है, अब हम डरने वालों में से नहीं है। हमारी कुछ ज्यादा मांग नहीं है, सिर्फ पानी पानी, इस वजह से पानी रुक रहा वो हमारे को होना चाहिए। हर बार 10 साल से कृष्णा कॉलोनी में यही प्रॉब्लम है, पानी पानी पानी। एमएलए साहब को दिए और वो पंचायत इलेक्शन वालों को बोले, हर बार आते वोट मांगते, खाली पानी के सोल्यूशन ही नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी की सहूलत मांग रहे। हर बार आते एप्लीकेशन डालते, दो दिन बाद होगा, एक महीने बाद होगा, ये होगा वो होगा, इतना फिरा फिरा के लेडीज़ को तंग आ गए हैं। आज के डेट में लेडीज़ वहाँ पे कृष्णा कॉलोनी में खतई पानी पीने के लिए भी नहीं है, दूसरी चीज़ के लिए नहीं है। वो लोगों को पानी की जरूरत नहीं पड़ती क्या? क्या मांग रहे हम लोग? सिर्फ पानी मांग रहे, पानी के सिवा वो कुछ भी कर रहे हैं। आ रहे कल आता हूँ, परसों आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ बोल के बोल रहे। अप्पू गौड़ा कहीं गए, एमएलए कहीं गए, हर जगह गए, हमारे पास नहीं छुआ है। आज हम सलीम सर को लेकर आए, डब्ल्यूपीआई से सलीम सर को लेके आए हैं। सलीम सर बोल रहे हैं दो दिन के बाद जरूर आपके एरिया को आएंगे, सर्वे करेंगे बोल के। आज एसएम कृष्णा कॉलोनी के मर्द और खवातीन यहाँ पर वाटर बोर्ड ऑफिस को आए, आकर जो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, 8 दिन में एक बार नल खुल रहा है, उन्हें परेशान है। कई दिनों से लोग जो है ना आकर के साफ लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ नल छोड़ने वालों से बात कर रहे थे, वो 8 दिन में एक बार नल छोड़ रहे हैं, इसके लिए उनको परेशानी हो रही थी, तो इनका मसला सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम पूरे एक डेलीगेट के साथ में, जिसमें हमारे 2 पंचायत मेम्बर भी मौजूद है एसएम कृष्णा कॉलोनी के, हम सब लोग आकर के हमारे AW साहब स्वामी साहब से हमने बात की, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि 2 दिन के अंदर आकर के वहाँ क्या पाइपलाइन ख़राब है, क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आके उसका सॉल्व करता हूँ बोल के उन्होंने वादा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, जो 38 लाख का काम करने का उन्होंने इस्टीमेट बना करके सबमिट किया है, उसकी वो उसी कॉपी भी हमको देता हूँ बोल कर उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमको यहाँ पर तमाम मर्द ख़वातीन यहाँ पर जो आए हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स सबको उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, अगर ये काम 2 दिन के अंदर उन्होंने नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में ऐसा एक्शन लेंगे कि वाटर बोर्ड को हम ताला डालेंगे, डाल के यहाँ बैठ जाएंगे कि ये इतने लोग प्यास से मर रहे हैं, इनके आप ख्याल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ वादा कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। हमें एसएम कृष्णा कॉलोनी से ऐसा है, हमारे को बहुत पानी का प्रॉब्लम है, 3 साल से सुन रहे हैं। मोहनसिन भैया कब से आए, हमको ये खतरा पानी नहीं छोड़ रहे बोले तो खाली पाइप का वाल का यही प्रॉब्लम बोलते, सब सरों को बोले, वीडियो करके डाले तो रात को 12 बजे 1 बजे पानी छोड़ता, दिन में तो खत्ता पानी नहीं छोड़ता, बोले तो 2 जने को आते 4 जन तुम्हें कैसे तो करो बोलते। इसके वास्ते हमें आए सो है, अब इन्होंने नहीं पानी सब क्या भी इंतजाम नहीं करे बोले तो हमें उनको ताला डालते ऑफिस को, नहीं तो वाटर बोर्ड के बड़ा टैंक फोड़ते। हमें उत्तर तंग आए, हमें 3 साल से हो हम सुन रहे ये बात, पानी की तो बहुत तकलीफ है। वो एसएम कृष्णा कॉलोनी में मेरे ख्याल से इंसानात बसते बोलकर मेरे को नज़र आ रहा, फिर भी ऑफिसर्स को पानी बोर्ड वालों को समझ में ये बात तो नहीं आ रही। 4 साल से बोल रहे पानी का, हमारे को पानी की बहुत किल्लत है। देखो नेक्स्ट टाइम फिर हम जो एक्शन ले रहे हैं, पीछे वाले हमारे बोले ना, हम भी वही काम करने वाले हैं, उनका साथ हम देने वाले। इवती नदीस WPI संघटने होराट एसएम कृष्णा कॉलोनी आश्रय कॉलोनी ಪಂಡಿತ್ ದಿನಗರ್ ಕಾಲನಿ ಬಡರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅಂತಾರ ಜಯ ಇದ್ದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಸಹ ಇವತ್ತು AW ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಲಾಪರವಾಹಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಜನರು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಗುಡ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ವಾರ ಗಡುವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಚೇಂಬರ್ವನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಗಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಈ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿಕೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.